अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 3, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास रिमेनिंग रह गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप इसे भी कंप्लीट करवा दें। तो आज क्या करेंगे, इसको तकरीबन कंप्लीट करेंगे और इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल जो है, फाइंड दी एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला फंक्शन मेरे पास गिवन है बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो क्या दी हुई बेटा, अंडर रूट क्यूब 2x प्लस का 1, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो बहुत आसान तरीका है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आगे के तमाम लेक्चर्स में कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, और इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। तो पढ़ो लॉजिक टुगेदर में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सेकेंड ईयर के तमाम लेक्चर्स वक्त पर और फ़ौरन से मिलते रहें। तो चले आ जाते हैं, लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स बराबर है क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 के। बेटा क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1 और इसके ऊपर 1/3, ये क्यूब रूट की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 1/3, इसको एज अ इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर उसके बाद बेटा मैं करता हूँ एफ लिखता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स प्लस किया है, तो बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और इसके साथ क्या लिखा जाएगा, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। जो x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 मैं लिख दिया और इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब 1/3। तो क्या लिख दूंगा, 1/3, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा, 2 का नाम दे दूंगा। आई लाइट को थोड़ा मैनेज कर लिया और सही कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बेटा, ये दो इक्वेशंस बन गए। एक मेरे पास फार्मूला होता था, आपको शायद याद होगा कि मैं क्या कहता था, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का जो फार्मूला होता था वो उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर होता था बेटा लिमिट डेल्टा एक्स रेज टू ज़ीरो, जो हम डेल्टा देते हैं उसको रेज टू क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। और फार्मूला के तहत क्या लिखते थे बेटा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस का एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या आता था बेटा, डेल्टा एक्स आता था, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स लिख दिया। अब क्या करना होता था इसमें, जहाँ जहाँ जो वैल्यू है वहाँ वहाँ वाली वैल्यू का क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। चलो आ जाते हैं, पुट करके देख लेते हैं। मैंने लिमिट लिखा डेल्टा एक्स रेज टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, टू, ये वाली वैल्यू मेरे पास एफ ऑफ एक्स की है। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, टू एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर टू मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एक्स से, तो टू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 1/3, ठीक है। मैंने तो आपके सामने सेम उसी तरीके से लिख दिया। फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस का निशान है और फिर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 2x प्लस का 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों टर्म मैंने लिख के दिखा दिया। फिर उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख दूंगा, ठीक है। अब बेटा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ कि डेल्टा एक्स नीचे लिखा हुआ है ना, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से आएगा और से देखना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हमने ऐसे सवाल बहुत सारे सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स रेज टू ज़ीरो, ये 1/ डेल्टा एक्स को मैं बाहर लेकर आ गया, तो बाहर लेकर आया जा सकता है, मैं लेकर आ गया बेटा। इसको ज़रा लिख दो ब्रैकेट के अंदर, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और प्लस का 1, इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, 1/3 माइनस 2x प्लस का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, जब डेल्टा एक्स मेरे पास बाहर निकल गया और तमाम काम हो गया, तो अब बेटा मुझे कुछ इसकी अरेंजमेंट करनी होगी, ठीक है। किस तरीके से अरेंजमेंट करनी होगी देखना ज़रा गौर से। मैंने लिमिट लिखा डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, 1/ डेल्टा एक्स, ठीक है। ज़रा इसको गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अरेंज मैं कर रहा हूँ, 2x लिख रहा हूँ, फिर प्लस का 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। 2x प्लस का 1 को मैंने एक साइड लिखा, प्लस 2 डेल्टा एक्स को अलहदा से लिख दिया, ठीक है। मतलब पहले 1 लिख दिया, क्योंकि मुझे इसमें ना फार्मूला लगेगा, ये बताता हूँ कौन सा फार्मूला होगा, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस का क्या बेटा, 1, और ऊपर मेरे पास फिर से 1/3 लग जाएगा यहाँ पे, और ये मेरे पास ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, बाइनोमियल फार्मूला, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला, वो मैं आपको बताता हूँ लिख करके। वो क्या होता है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू बुक हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखूँगा, फार्मूला लिखूँगा, अगर मेरे पास बेटा ए प्लस बी के ऊपर क्या लगा हुआ, पावर लिखा हुआ, और इसको बाइनोमियल थ्योरम के तहत लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम a के ऊपर पावर n लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, प्लस का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे बेटा n पहले लिखेंगे, a बाद में लिखेंगे, और फिर n माइनस 1 और b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे,
एन लिखेंगे, एन माइनस वन लिखेंगे, ठीक है, फिर टू फैक्टोरियल लगाएंगे, ठीक है, फिर ए जो यहाँ पे माइनस वन लिखा था तो अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टू, और बी का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और फिर सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली चलते जाएगी बेटा। अब याद रखना यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू बेटा ये होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, और ये वन अपॉन थ्री क्या होगा, मेरे पास पावर होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए मेरे पास बराबर होगा बेटा टू एक्स प्लस वन, जबकि बेटा बी मेरे पास बराबर होगा टू डेल्टा एक्स, जबकि बेटा मेरे पास एन बराबर होगा वन अपॉन थ्री के, ताकि आप कहीं से कन्फ्यूज ना हो और आपको पता चल जाए कि इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। फार्मूला क्या कहता है, पहले मैं लिमिट लिखता हूँ जैसे लिखा हुआ था, डेल्टा एक्स टू ज़ीरो वन अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट, अब इसमें मैं जब फार्मूला लगा रहा हूँ इस वाले एरिया में, तो पहले क्या लिखना होगा, ए एन, ए की वैल्यू क्या बेटा टू एक्स प्लस वन, तो क्या लिखूँगा टू एक्स प्लस वन, और फिर उसके बाद पावर क्या होना चाहिए, एन, एन की पावर क्या बेटा वन अपॉन थ्री, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वन अपॉन थ्री लिख दिया, प्लस का निशान बेटा एन लिखा हुआ है, तो एन क्या होगा वन अपॉन थ्री, ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू ये टू एक्स प्लस वन, तो क्या लिखूँगा टू एक्स प्लस का वन, फिर इसके ऊपर लिखा हुआ है एन, तो एन की पावर क्या है बेटा एन माइनस थ्री, और उसके बाद माइनस का वन, जबकि बी की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास बी की वैल्यू है टू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। फिर उसके बाद बेटा क्या निशान है, प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगाया, फिर एन लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा वन अपॉन थ्री माइनस का वन, फिर लिखा हुआ बेटा ए, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आती है बेटा टू एक्स प्लस का वन, ठीक है, और ऊपर क्या हो रहा है वन अपॉन थ्री माइनस का टू, और जबकि बी की वैल्यू क्या है मेरे पास टू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे जाएगी और कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं मालूम, ठीक है, तो इन्फिनिटी टर्म तक जाएगी, लेकिन बेटा इसके आगे क्या लिखा हुआ माइनस, क्योंकि मैंने तो इसमें फार्मूला लगाया था, मैंने फार्मूला लगा के खोल लिया यहाँ तक, फिर आखिरी में क्या लिखूँगा माइनस, और जो मेरे पास आखिरी वाली वैल्यू थी वो क्या थी टू एक्स प्लस का वन वन अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखो, ये प्लस का टू एक्स डेल्टा वन अपॉन थ्री, ये माइनस का टू एक्स प्लस डेल्टा वन अपॉन थ्री, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो वैल्यू बच रही है, जो वैल्यू बच रही होगी हमने वही लिखना होगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा डेल्टा एक्स रेस टू क्या लिखूंगा जीरो लिखूंगा, और वन अपॉन डेल्टा एक्स लिख दूंगा, ठीक है, फिर ब्रैकेट लिख के क्या आ रहा है मेरे पास वन अपॉन थ्री आ रहा है बेटा, टू एक्स प्लस का वन आ रहा है, ठीक है, और थ्री वन ज़ा थ्री, और थ्री में से वन जाएगा तो माइनस टू अपॉन थ्री आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद टू डेल्टा एक्स मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे लिखा हुआ था, फिर प्लस का क्या हो जाएगा बेटा वन अपॉन थ्री हो जाएगा, ज़रा इसको भी सॉल्व करना तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा थ्री वन ज़ा थ्री, और थ्री में से वन जाएगा तो टू अपॉन थ्री, तो माइनस का टू अपॉन थ्री आ रहा है यहाँ पे, और फिर मेरा यहाँ पे 2x प्लस का 1 वैसे ही लिखा गया, और ये भाई 3 2 ज़ा 6 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो माइनस का 5 अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 डेल्टा x, और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, याद रखना है स्क्वायर लगाना लाजमी है, क्योंकि मैंने यहाँ फार्मूला के तहत यहाँ पे स्क्वायर लगाया था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था, तो आपने स्क्वायर लगाना है, और फिर सो ऑन, इसकी वैल्यू बेटा कहाँ तक जा रही है हमें नहीं मालूम, एन टर्म तक इसकी वैल्यू क्या हो रही है जा रही है, ठीक है। अब क्या करना होगा, थोड़ा कैमरा को मैं सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है मेरे पास, ठीक है, अब सेट हो गया आई थिंक सो, ठीक है। तो अब क्या करना होगा बेटा, यहाँ तक तो हमने इसको लिख दिया और इसको कम्प्लीटली सॉल्व भी कर लिया, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई चीज़ कॉमन निकालनी होगी, देखते हैं क्या चीज़ कॉमन मेरे पास आ रहा है। देखो मेरे पास यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी मेरे पास डेल्टा एक्स है, लेकिन उसका स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डेल्टा एक्स इसमें से कॉमन निकाल देता हूँ, तो मैंने लिमिट लिखा डेल्टा एक्स रेस टू ज़ीरो वन अपॉन डेल्टा एक्स को वैसे रहने दिया, और इसमें से बेटा डेल्टा एक्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है, डेल्टा एक्स जैसे ही कॉमन आएगा तो बचेगा क्या अंदर, वन अपॉन थ्री टू एक्स प्लस का वन और माइनस का टू अपॉन थ्री, ठीक है बेटा, कन्फ्यूज़ मत होना, ये टू यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डेल्टा एक्स था तो एक कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा, प्लस का निशान वन अपॉन थ्री माइनस का टू अपॉन थ्री, और बेटा यहाँ पे क्या बच रहा है टू एक्स प्लस का वन, ठीक है, और मेरे पास क्या हो रहा है सॉरी टू एक्स प्लस का वन, ठीक है, माइनस का फाइव अपॉन टू, बेटा ये टू टू का क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और डेल्टा एक्स एक निकल जाएगा तो एक बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा एक्स, और फिर सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे तक जाएगी, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, बेटा डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा इसमें, तो मैं लिमिट अप्लाई किया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो मैं जैसे ही इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़रा देखो वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन थ्री टू एक्स प्लस का वन
माइनस का 2/3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना क्योंकि यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 0 आएगा। हो सकता है कि इसके आगे भी डेल्टा का स्क्वायर होता तो वो भी क्या होता है, 0, और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, कंटिन्यूसली चलते चले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं और मज़ीद। अब बस सॉल्व हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आगे चलता हूँ और इसको मज़ीद ना इसका आंसर लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ बेटा जो 0 आया थी ना वैल्यू, उसको मैं हटा दूंगा। अब जो मेरे पास वैल्यू बची है सिर्फ वो लिखूंगा। तो क्या बची थी बेटा मेरे पास, 1/3 था ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, f डेल्टा x इसके बराबर हो जाएगा, 1/3 था, 2x प्लस का 1 था और माइनस का क्या था बेटा, 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 2 था। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो 1x हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये वाली जो टर्म है इसको माइनस में इसको नीचे ले आता हूँ, जैसे ही नीचे लेकर आऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इस 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 2x प्लस का 1 और 2/3। तो ये बेटा मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा जो कि हमने इतना आसान तरीके से निकाल दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट इसका क्या कर सकते हो बेटा, ले सकते हो। तो यहाँ पे ये है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो चलिए आ जाते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ठीक है, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से सॉल्व करना है। तो बेटा सोल्यूशन लिखोगे और सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखोगे, 2x माइनस का 1 और माइनस का 1/2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से एफ लिखोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखोगे, ये बराबर कैसे हो जाएगा, 2, और फिर x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1, और इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम डिफरेंशिएट लेते हैं विथ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग, तो हम लोग डेल्टा एक्स को अप्रोच करते हैं 0 तक, और फिर क्या बोलते हैं बेटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या आ जाता है बेटा, डेल्टा एक्स। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, अभी हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो ज़रा आ जाते हैं और इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग इसको अपलो उस तमाम चीज़ों को लिख देते हैं। तो लिमिट लिखा, डेल्टा एक्स रेस टू 0 लिखा, 1/ डेल्टा एक्स को पहले ही बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर बेटा, इसके बराबर है। तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, और माइनस का 1। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, माइनस का 1/2। ठीक है, मैंने आपके सामने लगा के दिखा दिया। फिर माइनस का निशान, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 2x माइनस 1, और उसके ऊपर स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये मेरे पास एक टर्म बन गया। अब आपको फार्मूला शायद याद होगा, क्या था हमने लास्ट टाइम हम सॉल्व किया था, ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एन किसके बराबर होता है, मेरे पास बराबर होता है बेटा ये ए एन प्लस, फिर उसके बाद एन ए एन माइनस वन बी, फिर प्लस एन एन माइनस वन टू फैक्टोरियल। तो मैं ये आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर दफ़ा फार्मूला तो मैंशन करना ही होता है हमें। तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, अभी बताया कि ए प्लस बी के पावर एन हो जाए तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ए और उसकी पावर एन लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस का निशान डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो मेरे पास था, आपको भी पता है कि हम लोग एन लिखते हैं। ठीक है, फिर ए लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एन माइनस वन कर देते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या लिखते हैं, बी लिख देते हैं, फिर उसके बाद प्लस का निशान डालते हैं, और फिर क्या लिखते हैं बेटा, एन एन माइनस वन। ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं नीचे, टू का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आता है बेटा, फिर a आते हैं, और a में क्या होता है, n माइनस 2 होता है, और b का क्या होता है, स्क्वायर, और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली चले जाती है। ये हमारे पास फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का। तो अब क्या करना होगा, अब वैल्यू को फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो मैंने लिमिट लिखा, डेल्टा x रेस टू 0 लिखा, 1/ डेल्टा x लिखा, और थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे ताकि आपको समझ में आ सके। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ये इसको ज़रा अरेंज कर देना, माइनस वन पहले लिख देना और 2 डेल्टा एक्स को बाद में लिख देना। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 2x होगा और माइनस वन। ठीक है, माइनस वन की डर ले जाऊँगा,
बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 डेल्टा x होगी, जबकि n की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1/2 होगी। ठीक है, इसको अरेंज करना मत भूलना, अरेंज करके लिख देना, ठीक है, 2x-1 को साथ। तो मेरे पास a की वैल्यू मुझे मालूम है 2x-1 है, तो क्या लिखूंगा, 2x-1 लिखूंगा, और उसके बाद n है, तो n की वैल्यू क्या है, -1/2। ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर बेटा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, n, n की वैल्यू बेटा -1/2 है, जबकि मेरे पास क्या है उसके साथ a लिखना है, तो a की वैल्यू क्या है, 2x-1। ठीक है, 2x-1, ये -1 है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, -1/2 और -1। ठीक है, फिर उसका 2 डेल्टा x आ जाएगा, मतलब b आ जाएगा, और फिर प्लस का निशान, और बेटा उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास, n फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू -1/2, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, -1/2 -1। ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, 2x-1, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, -1/2 -2, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 डेल्टा x² ठीक है, ये सो ऑन वैल्यू जाएगी कहाँ तक, -2x-1 ठीक है, और -1/2। देखो सेम वही क्वेश्चन है, ये वाली टर्म सेम हो गई, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो चीज़ बच जाएगी उसको लिख लेंगे, तो f(x) लिमिट लिखूंगा Δx^2 क्या होगा बेटा मेरे पास, इस दफ़ा 0 और 1/(Δx) मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा मेरे पास, -1/2 है ना, तो लिखूंगा -1/2 ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2x-1 2x-1 2 1 का कितना हो जाएगा बेटा, 2 -2 -1, तो -3/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्लस का निशान, फिर -1/2 बेटा, इसको भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 तक, इसमें 2 का फैक्टोरियल इतना भूलना मत, ठीक है, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, 2 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल भी लिखना होगा, जाहिर सी बात है, सेम उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से अभी हमने सीखा था, तो ये कर लिया, तो क्या 2 1 तक क्या हो जाएगा, 2, तो -2 -1 -3/2 हो जाएगा, इन सब के नीचे 2 का फैक्टोरियल लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2x-1, और फिर क्या हो जाएगा, 2 to the 4 -4 -1, तो -5/2 क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और Δx² और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, होता है कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी कर देना। ठीक है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया, अब क्या करेंगे बेटा, Δx को कॉमन निकाल लेंगे एज यूजल। तो हमने क्या लिखा, लिमिट लिखा Δx^0 1/(Δx) पहले से था, तो 1/ तो Δx मैंने क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया। ठीक है, Δx कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, -1/2, फिर क्या आ जाएगा, 2x-1 -3/2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2, क्योंकि Δx तो कॉमन निकल गया। प्लस का निशान, -1/2 -3/2 ठीक है, 2x-1 ठीक है, -5/2 4, और Δx बच जाएगा, क्योंकि 1 Δx तो निकल गया, सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे जाते रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, लिमिट अप्लाई कर देना होगा, इससे वैल्यू ये कैंसिल आउट हो गई, तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 ये 2x-1, और क्या आ जाएगा, -3/2, और यहाँ पे 2, प्लस ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और फिर उसके आगे भी जितनी भी टर्म होगी सब 0 हो जाएगी, क्योंकि Δx की वैल्यू 0 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसका ज़रा देख लेते हैं आंसर क्या बन रहा है। तो f(x) बराबर है -1/2, और यहाँ पे बेटा बच के आ रहा है 2x-1 और -3/2। जब बेटा इसको नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2x-1 और 3/2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और हमने निकाल दिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इस सवाल का ले सकते हो। ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि f(x) बराबर है 6x+7 और power 5/2। बहुत आसान, तो सोल्यूशन लिखोगे और क्या लिखोगे बेटा, f(x) की वैल्यू तो मेरे पास पहले 6x+7 और इसकी power 5/2 है, और दूसरी वैल्यू बेटा f(x+Δx) जो हम ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो 6 क्या हो जाएगा, x+Δx ठीक है, और प्लस का 7 उसकी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, 5/2 हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा कि f डेरिवेटिव ऑफ x बराबर होता है बेटा लिमिट
डेल्टा एक्स रेस टू ज़ीरो होता है, और क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या लिखते हैं बेटा डेल्टा एक्स लिखते हैं। जो फार्मूला होता है उसके तहत मैंने क्या कर दिया आपके सामने, इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। तो एफ डेल्टा एक्स बराबर होता है बेटा लिमिट डेल्टा एक्स रेस टू ज़ीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिक्स एक्स प्लस सिक्स डेल्टा एक्स। तो सिक्स एक्स प्लस सिक्स डेल्टा एक्स, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा सेवन, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा फाइव अपॉन टू। उसी तरह से माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा फाइव अपॉन टू, और ये मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब फार्मूला लगेगा बाइनोमियल थ्योरम का, तो इसको एक बार अरेंज करके लिख ही देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स, फिर क्या हो जाएगा बेटा सिक्स एक्स प्लस का सेवन, और प्लस का सिक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको इस तरह से अरेंज करके लिख दिया, इसके ऊपर क्या लिख दिया फाइव अपॉन टू लिख दिया, माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा फाइव अपॉन टू, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना होगा बेटा, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, बेल के आइकन पर क्लिक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि चैनल की वीडियो आपको कैसी लगी है, समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूँ आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बार बार और हर दफ़ा बना करके दिखाऊँ, ठीक है। तो चले आ जाते हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू का निशान। बेटा मेरे पास एक फार्मूला होता है, अभी बताया था कि ए प्लस बी की पावर अगर एन होता है तो बराबर होता है बेटा ए एन, फिर प्लस एन ए एन माइनस वन बी, फिर प्लस एन एन माइनस वन का टू फैक्टोरियल, फिर क्या लिखते हैं ए लिखते हैं एन माइनस टू बी का स्क्वायर, सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू होती है, और आपको ये पता है यही वैल्यू होती है, ठीक है। तो ज़रा फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा एक्स रेस टू ज़ीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ए एन लिखना है, तो ए की वैल्यू जाहिर सी बात है मेरे पास सिक्स प्लस सेवन हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी फाइव अपॉन टू, ठीक है, मैंने लिख के दिखा दिया। फिर प्लस का निशान आएगा, और फिर क्या होगा बेटा एन, तो फाइव अपॉन टू हो जाएगा, और सिक्स एक्स और प्लस का सेवन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, तो मतलब फाइव अपॉन टू में से माइनस वन, और बी की वैल्यू क्या है बेटा सिक्स डेल्टा एक्स, तो वैसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस का निशान, फिर इसका क्या होगा बेटा एन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा फाइव अपॉन टू, फिर फाइव अपॉन टू माइनस का वन, नीचे टू का फैक्टोरियल, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा सिक्स एक्स प्लस सेवन, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा फाइव अपॉन टू माइनस का टू, और सिक्स डेल्टा एक्स के ऊपर स्क्वायर, और सो ऑन, इसकी वैल्यू जाएगी कहाँ तक, माइनस का सिक्स एक्स प्लस सेवन, और इसकी पावर फाइव अपॉन टू, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू यहाँ तक जाएगी, आपको पता ही है। तो यह वाली टर्म और यह वाली टर्म क्या हो जाएगी, दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स रेस टू ज़ीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा फाइव अपॉन टू सिक्स एक्स प्लस का सेवन, टू वन ज़ा टू, टू में से फाइव जाएगा, फाइव में से टू जाएगा, तो क्या बचेगा थ्री अपॉन टू, ठीक है, और सिक्स वैसे लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स वैसे लिखा जाएगा, प्लस फाइव अपॉन टू। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर रहा था, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्या होना है, मेरे पास ज़ीरो ही होना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ लो, टू टू द फोर, फोर में से फाइव में से फोर जाएगा तो क्या आएगा वन अपॉन टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स, और डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ इतने हिस्से को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा आगे चलते चले जा रही है, ठीक है। अब क्या करना होगा, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लो, तो एफ ऑफ एक्स, फिर लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स रेस टू ज़ीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स, जब कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, जिससे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइव अपॉन सिक्स सिक्स एक्स प्लस सेवन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा थ्री अपॉन टू और सिक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो कॉमन निकल गया, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा वही चीज़ बच जाएगा फाइव अपॉन टू, फाइव अपॉन टू माइनस वन, और टू का फैक्टोरियल सिक्स एक्स प्लस सेवन, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा वन अपॉन टू थर्टी सिक्स डेल्टा एक्स से बचेगा, और सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे जाते हुए ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, लिमिट अप्लाई कर दोगे, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा फाइव अपॉन टू सिक्स एक्स प्लस सेवन, और इसमें क्या आ जाएगा थ्री अपॉन टू, और क्या हो जाएगा सिक्स प्लस
जीरो प्लस जीरो और सो ऑन, ठीक है। टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बच रही है, जाहिर सी बात है आपको भी पता चल रहा होगा कि मेरे पास एफ डैश एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, तो क्या आ जाएगा फिफ्टीन सिक्स एक्स प्लस का सेवन और थ्री अपॉन टू। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जिसको हमने कहो कितने आसान तरीके से निकाल लिया। अब चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास बेटा पार्ट फोर आ गया है और ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, और मेरे पास 3.3 ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके चेकआउट करना, और 3.4 भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है कम्प्लीटली, उसे भी जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा बेटा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा और फिर सवाल लिखना होगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है बेटा किसके, 3x माइनस 5 के पावर माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस का 5, ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी गलती हो गई, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 3, एक्स के साथ फिर डेल्टा एक्स लग जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का 5 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सेम जैसे हम सॉल्व करते हुए अभी तक आ रहे हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला मेरे मुझे पता है और आपको भी पता है कि ये बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स रेज टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस का एफ ऑफ एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, एफ लिखना होगा, एक्स लिखना होगा, इक्वल टू लिमिट लिखना होगा, डेल्टा एक्स रेस टू जीरो करना होगा, वन अपॉन डेल्टा एक्स पहले लिख देना होगा, और बेटा एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 3x का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर इसके माइनस 5 को पहले लिख देता हूँ, ठीक है, और 3x डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी, माइनस का 3 अपॉन 2, माइनस का एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 3x माइनस 5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने आधा से ज़्यादा काम करके दिखा दिया। फार्मूला क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो लिख लेते हैं फार्मूला कि अगर a प्लस बी लिखा हुआ हो और उसके ऊपर पावर n हो तो मेरे पास क्या होता है बेटा, a की पावर n, फिर इसके मेरे पास आता है बेटा प्लस n आता है, फिर a आता है, फिर n माइनस 1 आता है और फिर b, फिर प्लस आता है, फिर लिखते हैं n, n माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल a, n माइनस 2, b का स्क्वायर और सो ऑन, इसके अंदर वैल्यू लिखा जाती है, ठीक है। तो बेटा मेरे पास इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 3x माइनस का 5, b की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 डेल्टा एक्स, जबकि n की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतनी कंडीशन करके बता दिया। अब क्या करना होगा बेटा, आपने मुझे कमेंट करके बताना होगा कि इस वाले सवाल का कैसे आंसर आएगा, जैसे मैंने बाकी जो सवाल आप करवाए थे ना, वैसे ही ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया है तो कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।